ये है पेंसिल कैक्टस, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। ये भी एक डेजर्ट प्लांट है जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस पे बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं होती है, बस ऐसे टिप्स पे छोटी छोटी लीव्स आ जाती है। इसको प्रोपोगेट करने का तरीका होता है कि इसकी स्टेम कटिंग से यहाँ से इसको कट कर लो और आप मिट्टी में लगा दो और 10-15 डेज़ में इसकी रूट्स आ जाएगी और फिर ये ग्रो होता रहेगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, इसको फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने जब एक बार इसको ग्रो देख लिया, इसमें भी पूरी मिट्टी यहाँ पे ड्राई हो रही है बट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आराम से ग्रो हो रहा है। इसको मैं 10-15 डेज़ में एक बार पानी डालती हूँ तो भी इजीली ग्रो होता रहता है। इस तरह से इसमें सेप निकलता है, वो सेप थोड़ा सा हार्मफुल होता है, उससे आपको अपने पेट्स को, बच्चों को या अपनी स्किन को भी उससे थोड़ा क्लीन रखना है कि जब आप उसको यूज़ जब आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके बाद अच्छे से हैंड वॉश कर लो। इसका वेलड्रेंट सॉइल होनी चाहिए इसके अंदर, मीन्स आपको जो भी आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी बजरी मिक्स कर लें ताकि इजीली आपका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। और मैंने तो इसी तरह से एक बोतल में लगा रखा है, देख लीजिए इस बोतल में भी अच्छे से ग्रो हो रहा है ये। इसका अगर आप इसको ग्राउंड में लगाएंगे तो भी चलेगा, बोतल में ये छोटे बड़े पॉट किसी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो 7-8 फीट तक भी हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा करते रहें। और जैसे जैसे देखिए इसके किस तरह से इसका शेप है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल शेप होता है। आप इसको कट करते रहेंगे ये और ज़्यादा बुशी होता रहेगा।